कोरोना की पांचवी लहर से मजीद चार अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 649 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेज की शरह 1.76% रिकॉर्ड। तहरीकी अदम एतमाद से निमटने के लिए हुकूमती वज़ीरा की स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक रुकन शरीक हो। आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ पीटीआई एमएनएज को वोट डालने की इजाज़त न देने के ऑप्शन पर गौर। वोटिंग वाले दिन ईवान में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए स्पीकर को खत लिखने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज दौरा लाहौर का प्लान। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। जहांगीर तरीन ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। उस्मान गुजार की मौजूदगी तक किसी भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं होंगे। तरीन ग्रुप का फैसला। आदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौतें हैं, नहीं छोड़ूंगा। पहला टारगेट आसिफ जरदारी, दूसरा टारगेट मकसूद चपरासी वाला शोबास है। वज़ीर आज़म के फजल रहमान को भी तैयार रहने की वार्निंग। सिंध के लोग जरदारी माफिया से छुटकारा चाहते हैं, अब आज़ादी का वक्त आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज़्यादा सस्ता है। इमरान खान का बिलावल को उर्दू सीखने का भी मशवरा। आसिफ जरदारी से सरदार यार मोहम्मद रिंद की दो रोज़ में दूसरी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु। उधर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी अरकानी कौमी असम्बली को आज दोहराने पर बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मैदान में आ गए। हमारे साथ 4 MLAs हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत का रवैया अफसोसनाक। अब भी वक्त है हमारी नुमाइंदगी का ख्याल रखा जाए। जाम कमाल की तनबीह। और बदलती सियासी सूरत हाल में मेल मुलाकातों पर जोर। चौधरी शुजात हुसैन की जरदारी हाउस अहमद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत।